अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आशीष ने भेजा है, पटना से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो मास है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अटैच्ड विद स्ट्रिंग्स एज शोन इन द सिस्टम, और ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है ये समझना है। पहले तो आप ये ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसको लैमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम लगा उससे भी कर लो, या फिर आप जो है फोर्सेस को बैलेंस करके भी कर सकते हो। जब हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो आपको पता है, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, एफ एक्सटर्नल जो है नेट निकालता हूं और वो किसके इक्वल लगता हूं, मास इनटू एक्सीलरेशन के, और मैं विद साइन रखता हूं, क्या रखता हूं, विद साइन। जब हम इस तरह से करते हैं तो हम क्या करते थे, एक्सीलरेशन को देखते थे, एक्सीलरेशन जो अपवर्ड है पॉजिटिव, नाउ डाउनवर्ड है नेगेटिव, राइट में है पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, इस तरह के मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब चूंकि ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया, तो आप यहां सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के फोर्सेस, ठीक है, ऐसे ही अपर फोर्सेस जो ऊपर लग रहे हैं, अपर फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस एंड दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है जी, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ये आ गया। तो आपको ये करना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो हम जो है इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के फोर्स को जो है इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के इक्वल कर देंगे, वाई एक्सिस के ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्सेस को इक्वल कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। करेंगे कैसे देखो, अब मैं जो है इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले स्मॉल एम है, तो इसका जो वेट लगेगा वो स्मॉल एम जी नीचे की तरफ लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वेट लग गया, ठीक है जी। तो यहां से अगर मैं बात करूं, लेट से ये हमारा टी वन है, ये हमने पढ़ा है इस तरह से, तो ये टी वन है, तो यहां भी टी वन हो जाएगा, तो टी वन की वैल्यू बेसिकली यही आ जाएगी एम जी के इक्वल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद लेट से ये टी टू है, ठीक है जी, यहां पर भी T2 होगा, तो यहां की तो जरूरत है ही नहीं, ये T2 आ गया, ये आ गए भाई साहब T3 टर्मिनल पर जो है गाड़ी रुकेगी हमारी, और ये हमारा T3, ठीक है जी, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस T2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ध्यान से देखेंगे, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, T2 cos 45 डिग्री, ठीक है जी, एक कंपोनेंट T3 का यहां बनेगा इस डायरेक्शन में, ये एंगल भी 45 है, तो T3 cos 45 डिग्री, ठीक है जी। अब T2 का एक कंपोनेंट यहां बनेगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका T2 sin 45 डिग्री, ठीक है जी। यहां से दूसरा बना लेते हैं, T3 का ये वर्टिकल कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में बनेगा, ये भी कितना होगा, T3 साइन 45 डिग्री, मुझे लगता है यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में हम जो लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस है उनको इक्वेट करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस। तो यहां देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T2 cos 45, अगर मैं इसको यहां करूं तो यह है T2 cos 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू T3 cos 45 डिग्री, T3 cos 45 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमें ये पता चल गया जो T2 है वो भाई साहब T3 के इक्वल है, राम और श्याम यहां पर हम शक्ल है, ठीक है जी। तो यहां पर जब राम और श्याम हम शक्ल है, तो अब हमें जो है ये जो है देखना है कि अब इसको आगे कैसे यूज करना है। अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, T2 sin 45, T3 sin 45 is equal to mg, तो यहां पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां करें क्या, चलो यही कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं दिख रही हमें, यहां पर करते हैं, तो यहां करेंगे तो T2 sin 45, T2 sin 45 प्लस, और भाई साहब T3 है, T3 sin 45, और ये जो है दोनों इक्वल हैं किसके जी, ये दोनों इक्वल हैं इसके वेट के, यानी कि T1 के, और T1 किसके इक्वल है, mg के, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं mg। अब आप यहां ध्यान से देखिए, T2 जो है T3 के इक्वल आया था,
राम और श्याम दोनों इक्वल आ गए थे, तो राम और श्याम जब दोनों इक्वल आ गए तो साइन 45 भी इक्वल हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 2t2 इज इक्वल टू mg, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, साइन 45 को क्यों भूल गए भाई साहब, तो साइन 45 इसको नहीं भूलना है, साइन 45 इज इक्वल टू mg। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद सिर्फ बचा साइन 45, t2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 × t2 × 1/√2 इज इक्वल टू स्मॉल mg, तो यहां देखो इसको अगर मैं रूट टू को दो बार लिख दूं, एक और रूट टू लिख लूं यहां पर, तो ये उसको उड़ा देगा, तो t2 की वैल्यू कितनी मिल गई mg अपॉन में रूट टू, mg अपॉन में रूट टू। ठीक है जी, और यही वैल्यू आपकी t3 के इक्वल भी है, तो आपको ये दो चीजें मिल गई, t2 आपका t3 के इक्वल है, राम और श्याम दोनों इक्वल है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है हमें मिल गया t2 इज इक्वल टू t3 mg / √2, हमने जो है मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब ध्यान से समझेंगे, ये t3 है, इसका जो मास है वो कैपिटल M है, ये दूसरी बॉल है, और इसका जो वेट लगेगा वो कैपिटल mg हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये भाई साहब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी यहां पर, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा, आप ऊपर वाली बात कर रहे हैं हम, ये 45 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये mg हो गया। ठीक है जी, अब यहां t3 है, लेट्स से इसमें टेंशन लग रही है t4, इसमें टेंशन कितनी लग रही है t4, अब t4 का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा t4 cos थीटा। ठीक है जी, अब t4 का ये कंपोनेंट देखेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या मिलेगा t4 sin थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये तो t3 बनाया हमने, ये t3 बनाया, t2 और t3 की वैल्यू क्या है mg / √2, तो अगर आप t3 को रिजोल्व करोगे, t3 बन रहा है ना, तो t3 का एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा जी, ये cos 45 है, तो कितना हो जाएगा t3 cos 45 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, कहां गए भाई साहब, आ जाओ पिंक वाले, तो ये जो है इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ये कितना बनेगा पिंक वाला जो है t3 sin 45 डिग्री। उम्मीद करता हूं मैंने जो है सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए हैं, अब आपको बेसिकली थीटा निकालना है ना, टेन थीटा निकालना है, और कैसे निकालना है, अब आपको करना क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड के फोर्स राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कर दो जी भाई साहब। तो ध्यान से देखो t3 cos 45 जो है किसके इक्वल है, t4 cos थीटा के, t3 cos 45 t4 cos थीटा, तो t4 cos थीटा cos theta is equal to t4 cos theta, मतलब decosta नहीं हो जाएगा, t4 cos theta is equal to t3 cos 45, t3 cos 45। ठीक है जी, अब t3 cos 45, t4 आपका चलो ऐसे ही रहने दो, क्या ही दिक्कत है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये इक्वेशन हमारी वन, क्या ही वन बनाएंगे, इतनी सारी इक्वेशन लिखी है, चलो t4 cos theta is equal to t3 cos 45। दूसरा देखेंगे हम, T4 sin theta is equal to T3 sin 45 और capital MG, तो T4 sin theta, तो ध्यान से समझना है भाई साहब, T4 sin theta that is equal to, T4 sin theta जो है किसके इक्वल है T3 sin 45 और MG के, T3 sin 45 plus capital MG, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब इस इक्वेशन से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यहां से आ जाएगा नीचे T4 cos theta, ठीक है जी, और यहां पर भी डिवाइड कर देंगे T3 को decosta, ठीक है जी। अब यहां से T4 से T4 उड़ जाएगा, दोनों टर्मिनल उड़ गए, तो बचा आपका हवाई जहाज tan theta that is equal to, यहां से क्या बचा, ये T3 से T3 उड़ेगा, ठीक है जी, sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ऐसे लिख लेते हैं T3 sin 45 अपॉन में T3 cos 45, ये तो दोनों सेम हो गए भाई साहब, T3 तो T3 उड़ा देंगे, sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी उड़ गया, प्लस mg कैपिटल mg डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ गया जी, कुछ छूट गया था क्या, चलो ठीक है छूटेगा तो पता चल जाएगा, T3 cos 45।
अब क्या करोगे, यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये तो आ गया वन, प्लस ऊपर की वैल्यू है कैपिटल एम जी, टी थ्री आपका कितना आया था याद होगा आपको, एम जी बाई रूट टू, ठीक है जी। कॉस थीटा की वैल्यू कितना, कॉस 45 की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन रूट टू, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई तो टू हो जाएगा, टू ऊपर पहुंच जाएगा यहां पर, तो टू कैपिटल एम जी, ये जी से एक जी उड़ा दो तो भाई साहब सबका जी खराब हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस, ये टू ऊपर पहुंच गया तो टू कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम। तो क्या हमें ये कोई ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमारे आंखों के सामने, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो सॉल्व हुआ होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है और मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने क्या यूज किया, जो फोर्सेस लग रहे थे, जो टेंशन लग रही थी, सारी टेंशन जितनी भी दिमाग में थी वो सारी की सारी टेंशन हम इस फोटो में उतार के लेकर के आए और उन सब टेंशन को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की टेंशन को इक्वल किया और अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड के फोर्सेस को इक्वल किया, तब हमने जो है इसको सॉल्व किया। ध्यान रखिएगा चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था इसीलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन होती है एम में वो जीरो हो जाती है, इसीलिए ऐसा किया। अगर ये एक्सीलरेशन होता इसके अंदर तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, तो फिर हम जो इसमें एक्सीलरेशन भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो हमें जो है टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टू कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम, ये जो भाई साहब है मिल गए हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। देखो भाई साहब हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में पढ़ते हो, चाहे एलन में पढ़ते हो, चाहे आकाश में पढ़ते हो, चाहे फिडजी में पढ़ते हो, दुनिया भर का एक्स वाई जेड छोटा मोटा कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपको करना क्या है, आपको अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, हम आपके डाउट का जो है बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।